एक है। जम्मू और कश्मीर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव लाया जा रहा है, कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लगभग 1,00,000 करोड़ की सड़कें जम्मू और कश्मीर में बन रही हैं। जम्मू और कश्मीर में आप देख रहे हैं कि सभी तरीके से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बढ़त हो रही है और सभी वर्ग के लोग इस जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, जो विकास की यात्रा है, उसमें जुड़ रहे हैं। आज उसी क्रम में ट्रांसपोर्टर्स ने पहली बार एक ये मेगा इवेंट किया है जिसमें देश भर की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के लोग और जम्मू और कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मिलकर एक यहाँ पर मेगा मीट रखा है। इसमें जो समस्याएं हैं ट्रांसपोर्टर्स की और भारतवर्ष में क्या हो रहा है, उसका आदान प्रदान होगा, सौहार्द बढ़ेगा, एक सभी में एकजुट होकर भारत और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करने की एक जो है वो योजना बनेगी और सभी लोग इससे उत्साहित होंगे। आप जानते हैं कि यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पार्किंग, हर एक तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं और जो रिलीजियस टूरिज्म के लोग आते हैं, प्लस साथ में जो हमारे लोकल कम्यूटर्स हैं, उनको एक सेफ तरीके से और एक सुविधाजनक कंफर्टेबल रूप में उनको ट्रांसपोर्ट के साधन मिले और ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से जो हमारी डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें पूरा योगदान है। ये जो प्रोग्राम है ये ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, जो पहली बार हिस्टोरिकल प्रोग्राम हो रहा है। इसमें कन्फेडरेशन के हर एक बंदे का, इसमें कन्फेडरेशन के हर एक जवामा का हाथ है और हमारे जो टंगडार से लेकर पहलगाम से लेकर उड़ी से लेकर जितने भी प्रेजिडेंट साहब हैं उनका योगदान है। और ये है कि हम एक ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट जो यूनियन चलाते हैं, BMS भारत मजदूर संघ, उसके साथ जुड़े हैं और ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं ये एक तो टूरिज्म से बूस्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये जो लोग यहाँ आए हैं बाहर से, चाहे आंध्र प्रदेश से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, वो इसलिए है कि ये लोग आम लोगों के बीच बैठते हैं, क्योंकि बाज़ार में ही होते हैं और आम लोगों के बीच में ही बैठते हैं। तो हमारे लाने का मकसद यही है कि इससे एक तो टूरिज्म बूस्ट हो यहाँ पे, लोगों को बाहर पता चले कि यहाँ हालात ठीक है, आप आइए, जिससे हमारा रोज़गार बढ़ेगा। कहा आपने जो गाड़ियाँ आती हैं उनको नहीं छोड़ रहे, इशू तो हमारे बहुत सारे हैं, क्या बताइए कितना दर्द हमारे अंदर छुपा है। जो हम आज यहाँ मिल के ये प्रोग्राम करें इसमें वो दर्द हम बयान करेंगे, अपनी जो डिग्निटीज़ यहाँ पे है, अपने जो यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स आएंगे उनके सामने, और कुछ चीज़ें हम रखेंगे कि अगर हाईकोर्ट का बैन है SRTC के ऊपर, हमारी गाड़ियों के भी ऊपर, हम इसमें नहीं कह रहे नहीं है, तो फिर SRTC कैसे चल रही है सिटी के अंडर। और दूसरी बात, हम मानते हैं कि ये बना रहे हैं श्रीनगर को स्मार्ट सिटी, क्या जम्मू तो बन रही है स्मार्ट सिटी, वहाँ जो बस स्टैंड स्मार्ट सिटी अंदर और इतना खूबसूरत बस स्टैंड बना, तो हमारे साथ दो ये भेदभाव क्यों। मकसद यही है कि जितने भी हमारे इश्यूज हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जितने भी ऑफिसर और हमारी जो ऑल इंडिया टीम आई है यहाँ पर, जिसको हमने दावत दी है कन्फेडरेशन ने, और इस बैनर के तले ये आज पहली बार हो रहा है कि कश्मीर में ट्रांसपोर्टर भी इतना बड़ा इवेंट कर सकते हैं। हिम्मत तो नहीं है हम, क्योंकि हमें तो कपड़े भी कहीं उधार से ला कर आए, क्योंकि हमारे उतना जो मेरे प्रेजिडेंट्स हैं या मेरे ड्राइवर्स हैं उनके पास उतना सोर्स है नहीं कि वो कुछ लाए, लेकिन फिर भी हम जू तो करके हमने सोचा चलो हम भी गवर्नमेंट को दिखाएं कि हम तो रीढ़ की हड्डी, हम तो टैक्स भर रहे हैं फिटनेस के रूप में या किसी और चीज़ों के रूप में,
लेकिन हम ही सर, हम तो आपको देते कमा के देते, हम पे ही गवर्नमेंट चलती है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? आप देख रहे हो एक्सीडेंट होते मरता ड्राइवर, उस पर दो ही चीज़ें लागू होती, या तो ये चर्सी था या फिर तेज़ रफ्तारी से चल रहा था। ये कोई नहीं सोचता था इसके पीछे फैमिली भी है, ये एक फौजी की तरह सुबह निकलता है शाम को वापस होता है। ये चीज़ें हमें आज हमें बताने कि एक वेलफेयर बोर्ड कायम किया जाए कि अगर एक्सीडेंट किसी ड्राइवर का हो, एक तो उसको रिलीफ दिया जाए, दूसरा वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए जिसमें उसको जो उसके बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिले, जैसे बाहर स्टेट्स में है। बहुत बड़ा इवेंट है और इसीलिए हमने आज इनके सामने ये अपनी जो ज़रूरत है वो बताना है और जो भी यहाँ इशूज़ है उस पर डिस्कस। थोड़ा सा इससे डिफरेंट एक सवाल है, जहाँ आपको याद होगा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए छोड़ा जाए, जी स्ट्रीट वेंडर्स को छोड़ा गया है वहाँ, वो कल वो नहीं, देखिए इससे पहले भी स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया था 4x4 शॉप्स बना के। स्ट्रीट वेंडर्स तब है जब ट्रांसपोर्ट अंदर है, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाहर ही रोक रहे तो अंदर कौन आएगा? ये तो खंडरात बना है ना, इसमें किसी को बसाने की जगह ही नहीं है, आप तो उसको तबाही की तरफ ले जा रही हो। हाँ, अब अगर इनको मानता हूँ मैं तो फिर सबको रोकना चाहिए। आप चांदनी चौक में दिल्ली में देखो, चांदनी चौक दिल्ली में देखो कितनी कितनी ट्रैफिक होता है, कितना ये होता है। यहाँ कहीं भी किसी भी, मैं पुणे गया, मैंने वहाँ देखा, वहाँ किसी बहन नहीं है सिटी के अंदर, स्मार्ट सिटी के अंदर आने की। हमें हमारे हम पे कौन सा जुल्म हो रहा है? और आप देखिए गांव से वही SRTC डायरेक्ट आ रहा है, हमारी गाड़ी में कोई बैठता नहीं है, मरने के कगार पर है ट्रांसपोर्टर्स और कोई बात नहीं कर रहा है। और मैं आपको एक उदाहरण एक और दे दूँ, कल प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया, सही है गलत है हमें उससे कोई, क्योंकि हम अपना मजदूरी के, लेकिन उस 100 रुपये पूरे जो पॉलिटिकल्स है वो भी सीखा हो गए, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं नए भी आए वो भी सीखा, लेकिन जब हम पे टैक्स लगाया गया, जो फिटनेस हम 1000 रुपये में कर रहे हैं आज हमें 26,000 उसका भरना पड़ता है फिटनेस का, तो किसी ने आ तक नहीं की। यानी कि इस ट्रांसपोर्टर को भूल चुके हैं सभी, इसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी गवर्नमेंट को दे कि हम आपको देते हैं, हमें बेकारी बना के मत डाली, पिछली गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ यही किया और आज जो हो रहा है, लेकिन फिर भी आज आशय है कि आज कुछ होगा ट्रांसपोर्टर के लिए। इसी वजह से आज जितने भी प्रेसिडेंट देखते हो कश्मीर वैली के, और साथ साथ हमारे जम्मू के जो वेलफेयर चेयरमैन हैं JNK के, वो भी हमारे साथ बैठे हैं, उसको दावत दी है हमने कि आवे, और हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने आके इस हमारे इस प्रोग्राम में मदद की, और जब भी हमारी ज़रूरत हो जो लीगल होगा उसमें हम उनकी